प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिगोड प्रेम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी का जो MCQ है उसका दूसरा पार्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मैंने NCERT जो 11th क्लास की उसको बेस बनाया है। इंग्लिश में भी सवाल रखे हैं मैंने, हिंदी में भी रखे हैं। कोशिश मेरी ये है कि सवालों को बनाया जाए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी उसमें लाई जाए। अच्छे सवाल होते हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और फिर पढ़ने में हमें अच्छा भी लगता है, दिल भी लगता है। कंटेंट राइटिंग का क्योंकि मेरा काम रहा है और जो भी इंस्टीट्यूट है उनको लिख करके मैंने कंटेंट हमेशा दिया है और सवाल भी बनाकर मैं देता रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि YouTube के ज़रिए जो है जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद की जाए। और मदद करने का काम बहुत अच्छा काम भी होता है, ख़ास करके एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम है ये। तो जो भी मेरे पास एबिलिटी है, सामर्थ्य है, जो मुझे मिली हुई है, उसके हिसाब से मैं अपना वर्क आपके सामने पेश करूंगा। अभी जो मैं सवाल पेश करूंगा तो उसमें कुछ बातें हैं, तो यहाँ पर अभी मैं उसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो एयर मास का एक कॉन्सेप्ट है जिसको वायु राशि कहते हैं। तो तरह तरह की एयर मासेस दिखाई पड़ती हैं। तो मानी सी बात है कि एयर के बारे में आता है कि भाई हवा क्या है, एयर क्या है, तो वो गैसों का मिश्रण है, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी गैसें होती हैं, उससे मिल करके एयर बनती है, हवा बनती है। तो फिर एयर मास क्या है, वायु राशि के नाम क्यों पड़ा? तो हम ये देखते हैं कि कोई भी हवा जो है, जो एयर है, वो किसी ऐसे इलाके में अगर चली जाए, लंबे समय तक वहीं पर वो टिकी रहे, स्टे कर ले, जो इलाका जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, समांगी क्षेत्र होना चाहिए। समांगी यानी समअंगी, एक समान अंगों वाला, एक जैसा, एकदम एक जैसे से क्या मतलब है? जैसे मान लिया हम ट्रॉपिकल एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर वाटर है, समुद्री इलाका है, तो ट्रॉपिकल रीजन में है वो, तो मानी सी बात है कि उसकी क्वालिटी एक जैसी होगी, पानी थोड़ा सा गर्म होगा, गर्मी होगी वहाँ पर। अगर हम पोलर इलाके में चले जाएं, ध्रुवीय क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ का पानी देखें, तो वहाँ का पानी बहुत ठंडा होगा और वहाँ के वाटर में आपको बर्फ भी तैरती हुई दिखाई पड़ेगी, तो वहाँ का नेचर एकदम अलग हो जाएगा। वो छोटा मोटा इलाका तो है नहीं, बहुत बड़ा रीजन है। इसी तरीके से हम कॉन्टिनेंट के बारे में आए देखें, जो कॉन्टिनेंटल एरिया हमारा, महाद्वीपीय जो इलाका है, यानी ज़मीनी इलाके की बात करें, तो उसमें भी दो तरह की स्थिति दिखाई पड़ेगी। एक वो ज़मीन का इलाका है, कॉन्टिनेंट का इलाका है, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहाँ गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम अलग होगा। और एक पोलर रीजन में चले जाए, बर्फीले क्षेत्र जो हैं, तो वहाँ पे ठंडक होगी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ की जो वहाँ का वातावरण है वो एकदम अलग होगा। तो ज़मीन का जो क्षेत्र है, ज़मीनी जो इलाका है, वो भी दो रूपों में दिखाई पड़ता है, एक बर्फीला है और एक वो है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में तरह तरह की एयर मास का निर्माण होता है। जब लंबे समय तक कोई हवा वहाँ पर, एयर जो है, रह जाती है, टिक जाती है, तो उस इलाके के गुणधर्म को, वहाँ के तापमान को, वहाँ की ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को वो एडॉप्ट कर लेती है। तो इस तरह से एयर मास जो है वो डेवलप हो जाती है और बहुत बड़े एरिया में वो फैली हुई होती है। तो हम ऐसे देखें कि मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? समुद्री। मैरीटाइम का मतलब तो यही ना कि समुद्री क्षेत्र। तो अब इस मैरीटाइम यानी जो ये समुद्री इलाका है, अगर ट्रॉपिकल में होगा तो MT नाम की एक एयर मास डेवलप होगी इस क्षेत्र में। वो देखिए, यहाँ पर MT है, ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल, और ये भी देखिए यहाँ मैरीटाइम ट्रॉपिकल। ये पूरा जो है वो देखिए अटलांटिक ओशन का इलाका है, पानी का इलाका है, लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन में है, तो जिसके वजह से इसका मैरीटाइम ट्रॉपिकल नाम रखा गया है। तो यहाँ के जो एयर मास होगी, ये जो पूरी एयर मास है, इसकी जो क्वालिटी है एकदम अलग है। अब देखिए, ये मैरीटाइम यही है, यहाँ भी पानी है, लेकिन ये पोलर इलाके में, ध्रुवीय क्षेत्र में, यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। तो ये जो पूरा बहुत बड़ा एरिया, यहाँ की एयर मास एकदम अलग होगी। अगर ये दोनों अलग अलग नेचर की एयर मास मान ली आपस में टकरा जाती हैं, मिलती हैं, तो फ्रंट्स का निर्माण होता है, वाताग्र की उत्पत्ति होती है इनकी बाउंड्री लाइन पर, सीमा पर। तब जहाँ ये दोनों हवाएं मिलेंगी आकर के, तो उसकी जो टच जहाँ पर वो करेंगी, वहाँ पर फ्रंट का निर्माण होगा, फ्रंट्स का निर्माण होगा, वाताग्र का निर्माण होगा, मौसम में तब्दीली पैदा होगी, बादल बनेंगे, बारिश भी हो सकती है। तो हमने ये देख लिया कि जल वाले इलाके में यानी पानी के एरिया में, तो ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि ये मैरीटाइम पानी का इलाका है, तो MT का नामक एक एयर मास डेवलप हुई, और ये
आपकी मैरीटाइम पोलर हो गई है। आप कॉन्टिनेंट देखें तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल आ गया, ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल आ गया और ये कॉन्टिनेंटल पोलर, ये अलग अलग प्रकार की एयर मास है। यहाँ ठंडक है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टिनेंट का ही इलाका है, महाद्वीप का ही इलाका है, लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन में वैसे ये हीटेड हो, यहाँ पर गर्मी होगी ज़्यादा। तो नीचे भी देखिए एम्प्टी है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये पूरा एरिया ज़्यादा, यहाँ पानी ज़्यादा है। अब देखिए मैरीटाइम इक्वेटोरियल है, ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, तो यहाँ इस तरह की एयर मास डेवलप हुई है। एक जो है देखिए ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक का इलाका है, तो यहाँ पर एक तरह के देखिए एयर मास डेवलप हो गई है। तो अलग अलग नेचर की एयर मास जो है जब आपस में टकराएंगी अलग नेचर की, तो फिर वहाँ फ्रंट्स का निर्माण होता है। तो यही मैंने बताने की यह मतलब ये स्लाइड में यहाँ पर कोशिश की है कि इसके ज़रिए मैप के ज़रिए आसानी से समझाया जा सकता है। तो ये बात है, तो एयर मास जो होती है वो एक ख़ास तरह के इलाके में होती है, यानी वहाँ पर हवा जब चली जाती है लंबे समय तक स्टे करती है, तो इसी इलाके के गुणधर्म को, यहाँ के टेम्परेचर को, यहाँ के ह्यूमिडिटी को वो एडॉप्ट कर लेती है और ख़ास तरह का उसका नेचर हो जाता है। और फिर इस तरह से अलग अलग जगह पर एयर मास यानी वायु राशि डेवलप हो जाती है। तो अब हम आते हैं सवालों पर, तो उसमें जो भी मैंने बात में मतलब बताया तो ये चीज़ आएगी, तो कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर रहेगा तो बहुत आसानी रहेगी। तो आइए चलते हैं हम अपने सवालों पर। तो आइए अब हम लोग सवालों पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पृथ्वी 1 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है जिसे अपसौर कहते हैं। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, 1 जुलाई को नहीं होती है बल्कि 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। वो दूरी कितनी होती है, 15,20,00,000 किलोमीटर। दूसरा सेंटेंस देखिए, पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य से सबसे निकट होती है जिसे उपसौर कहते हैं। तो ये सही है, तो दूसरा वाला विकल्प सही है। अब देखिए इंग्लिश में आइए, तो ये हमने देख लिया कि पृथ्वी जो है जब हम उप कहते हैं तो उप का मतलब होता है पास में, ये उपसर्ग है जो कि पास को बताता है, तो उपसौर का मतलब है सूरज के एकदम पास। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के पास होती है, वो दूरी होती है 14,70,00,000 किलोमीटर। और अप माने होता है दूर हो जाना, तो पृथ्वी जो सूरज से दूर होती है तो 15,20,00,000 यानी 15,20,00,000 किलोमीटर की वो दूरी होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द अर्थ इज़ द फार्देस्ट फ्रॉम द सन ऑन 1 जुलाई विच इज़ कॉल्ड अपहीलियन। तो इसको अपहीलियन कहते हैं, तो ये 1 जुलाई को नहीं है बल्कि 4 जुलाई को है, ये अपहीलियन जो है। तो पेरिहीलियन ये 3 जनवरी को है, तो ये सही है, तो दूसरा वाला सही है। दूसरे सवाल पे चलते हैं, एक एक सवाल की वैल्यू होती है। जब हम एक सवाल से गुजर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे अच्छी तरह से समझ लिया। तो ध्यान में रखने की बात ये होती है कि हम अपना नोट्स बना करके रखें और बीच बीच उसको रिवाइज करते रहें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चालन कंडक्शन के बारे में देखिए सवाल बनाया, के तहत वायुमंडल की निचली परतों के संपर्क में आने से ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। तो वायुमंडल का निर्माण क्योंकि लेयर से हुआ है, परतों से हुआ है, तो नीचे की परत अगर गर्म होगी तो उसके संपर्क में ऊपर वाली परत भी गर्म हो जाएगी। तो इसी कैसे गर्म हो, चालन की वजह से, कंडक्शन की वजह से। तो यह सही है स्टेटमेंट, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन एडवेक्शन कहलाता है। ये भी सही है, यानी हॉरिजेंटल जब फ्लो करती है हवा तो वो तापमान का वह ट्रांसफ़र वो तापमान का कर देती है, गर्मी को ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये दोनों ही सही हैं, इसलिए सी वाला सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अंडर कंडक्शन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर आल्सो गेट हीटेड बाई कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द लोअर लेयर्स। तो ये एकदम सही है, द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। ये भी सही है, ये सी वाला सही है। NCERT जो 11th क्लास की है उसी को बेस बनाते हुए सवाल, मुझे इस पूरी किताब को पूरा करना है। अब देखिए तीसरा वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पर्वतों पर रात में ठंडी हवा ढाल के साथ नीचे उतरती है और घाटी के तली में गर्म हवा के ऊपर बैठ जाती है, इसे वायु अपवाह कहते हैं।
तो क्या ये बात सही है कि कोई ठंडी चीज़ जो भारी हो वो गर्म चीज़ के ऊपर बैठ जाएगी? ऊपर तो बैठेगी नहीं, गर्म चीज़ जो भी कोई भी मान ली गर्म हवा है तो मानी बात है कि वो हल्की होगी, तो फिर ठंडी हवा उसके ऊपर कैसे बैठेगी? तो नीचे बैठ जाएगी ना, तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत है। आईएएस के अंदर इस तरह से एक एक शब्द बदल करके कभी कभी हेर फेर कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर क्योंकि प्रेशर होता है तो चीज़ स्किप यानी ध्यान में नहीं आती और फिर सवाल गलत हो जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1210 मिलीबार होता है, तो 1210 नहीं होता बल्कि ये 1013.2 मिलीबार होता है, तो ये वाला गलत है, तो सिर्फ ए वाला सही है। इंग्लिश में देखिए भैया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द माउंटेन्स कोल्ड एयर डिसेंड अलोंग द स्लोप एट नाइट एंड सेटल ओवर द वार्म एयर। देखिए सेटल ओवर द वार्म एयर यानी वार्म एयर के ऊपर तो नहीं बल्कि नीचे होती है। एयर एट द बॉटम ऑफ द वैली दिस इज कॉल्ड एयर ड्रेनेज, तो ये गलत है। और ये वाला भी तो मैंने बता ही दिया था गलत है। और यहाँ पर कितना है 1013.2 मिलीबार, तो दोनों ही इसमें असत्य हैं। अब देखिए चौथा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वायु का गतिमान होना वायुमंडलीय दाब की भिन्नता पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि हवा अगर कहीं पर मान लीजिए कि ठंडी है तो वहाँ हवा भारी होगी तो प्रेशर होगा तो वायु का दाब ज़्यादा होगा, और जहाँ पर मान लीजिए गर्मी है तो हवा जो है वो हल्की होगी तो वहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये बात समझें। तो मानी बात है कि वायुमंडलीय दाब की भिन्नता जब होगी तो वायु गतिमान होगी, तो निर्भर करता है, तो एकदम सही है। तो वायु का गतिमान होना वायुमंडलीय दाब की भिन्नता पर निर्भर करता है, तो ये सही सेंटेंस है। पृथ्वी के घूर्णन का पवनों के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत है। जब कोरियालिस बल होता है तो उसका असर पड़ता है पवनों के वेग पर, तो यहाँ पर देखें पवन वेग प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पड़ता है, तो सिर्फ ए वाला यानी पहला वाला सेंटेंस सही है। तो देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मूवमेंट ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सही है ये। रोटेशन ऑफ द अर्थ डज नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ विंड्स, तो ये पूरी तरीके से गलत है बल्कि पड़ता है असर, तो पहला वाला जो कथन है वो सही है। तो हम लोगों ने चार सवाल कर लिए, पांचवा सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इस तरह से स्टेटमेंट आई इसमें दिए जाते हैं, तो देखें क्या कह रहे हैं। कोरियालिस बल के कारण ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से बाएं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, तो इस तरह का सवाल आता है बाएं दाएं के बारे में, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रखना चाहिए कि बाएं तरफ नहीं बल्कि दाएं तरफ। जो भी हवा होती है अपनी उसकी एक मूल दिशा होती है, वो जब उत्तरी इलाके में उसकी मूल दिशा जो होती है तो कोरियालिस बल का जो असर पड़ता है तो वो मतलब उसमें विक्षेपण पैदा हो जाता है, वो उत्तर दिशा दाएं तरफ जो है मुड़ जाती है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो दाएं तरफ बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ जो विक्षेपित हो जाती है। तो कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से बाएं तरफ विक्षेपित हो जाती है, तो बाएं तरफ नहीं है, यह गलत है, दाएं तरफ है, तो यह गलत हो जाएगा। कोरियालिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से दाएं तरफ, तो यहां पर बाएं तरफ कर लीजिएगा। तो इसी को मैंने उल्टा मतलब अपोजिट में दोनों पर रख दिया था ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे एकदम, तो इसमें दोनों ही क्या हैं असत्य हैं। मानी बात है कि हवा जब चलेगी तो उसका एक कोई उसकी मूल दिशा होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में जब हवा चलेगी तो कोरियालिस बल के असर से क्या होगा कि वो दाएं तरफ मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, लेफ्ट नहीं बल्कि राइट, तो ये गलत हो जाएगा। ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स विंड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट बल्कि लेफ्ट दर फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों ही गलत हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं छठे सवाल पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कोरियालिस बल के प्रभाव स्वरूप पवनों का वेग जितना अधिक होगा उनके विक्षेपण की दर उतना ही कम होगी, तो ये पूरी तरह से गलत है, बल्कि विक्षेपण की जो दर है डिफ्लेक्शन का जो मतलब रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हवा की गति जितनी होगी तो फिर उतनी ही तेज़ी से हवा जो है विक्षेपित हो जाएगी, डिफ्लेक्शन पैदा हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है, तो विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर नहीं होता है, तो गलत है ये, बल्कि अनुपस्थित होता है, होता ही नहीं है, बल्कि पोलर रीजन पर ध्रुवों पर
होता है ज्यादा, तो ये दोनों ही असत्य हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ द विंड्स द लेसर विल बी देयर रेट ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो ये सही नहीं है, बल्कि ज्यादा हो जाता है। द कोरियोलिस फोर्स इज द हाइएस्ट एट इक्वेटर, तो नहीं, वो होता ही नहीं है, जीरो पे एकदम आ जाता है इक्वेटर पर, तो इसलिए दोनों ही गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां, देखिए एयर मासेस की बात हो रही है, जो दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके केंद्र में नहीं, ये गलत है, वाताग्र फ्रंट्स का निर्माण होता है, तो केंद्र में नहीं होता, बल्कि जैसे हवा ये आ रही है, ये हवा आई एक अलग अलग नेचर की, ये गर्म है माली ठंडी है, तो यहाँ उनके बीच में जो सीमा रेखा है यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होगा, बाउंड्री लाइन पर होगा, मध्य में सीमा रेखा पर, केंद्र में नहीं होता है, तो ये गलत है। जब शीतल और भारी वायु, माली बात है कि शीतल जो भी हवा होगी वो भारी होगी, वायु उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेल देती है, तब संपर्क क्षेत्र में उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है, तो गलत है। जब शीतल और भारी वायु कोई काम कर रही है तो फिर शीतल ही वाताग्र का निर्माण होगा, तो इसलिए उष्ण नहीं होगा। अब इसको देखें, जब गर्म वायु राशियां ठंडी वायु राशियों के ऊपर आक्रामक रूप से चढ़ जाती हैं तब शीत वाताग्र का निर्माण होता है, तो शीत का नहीं होता बल्कि उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है, तो यह भी गलत है। तो इसमें क्या है, तीनों सेंटेंस सभी असत्य हो जाएंगे। अब वाताग्र के बारे में ये समझ लें कि मानी इस बात है कि दो हवाएं विपरीत नेचर की ठंडी गर्म आएंगी, तो ठंडी वाली जो है ताकतवर है, भारी है, तो वो उष्ण वायु को गर्म वायु को ढकेल करके यानी धक्का देकर ऊपर कर देगी, और वो खुद नीचे हो जाएगी और वो गर्म वाली ऊपर हो जाएगी, और उनकी सीमा रेखा पर वाताग्र का निर्माण होगा। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जो जिसके पास बहुत ताकत नहीं होती, जैसे गर्म हवा है, वो हो सकता है बहुत वायलेंट हो जाए और कोल्ड एयर के ऊपर ही चढ़ जाए, ऐसा भी होता है। हम अपनी ज़िंदगी में उदाहरण देख सकते हैं, जो बहुत बड़े पहलवान होते हैं वो मामूली किसी भी इंसान को आराम से हरा देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि फीलिंग बहुत बढ़ जाती है, तो कमज़ोर लोग भी भारी लोगों पर बहुत ही वायलेंट होकर अटैक कर देते हैं और हरा भी देते हैं, तो ऐसा भी देखने में आता है। तो अपनी ज़िंदगी से भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मासेस मीट्स फ्रंट्स आर फॉर्म्ड एट देयर सेंटर, तो ये गलत है, सेंटर पर नहीं होता बल्कि उनके मिलने के केंद्र पर यानी बाउंड्री पर होता है, वही बाउंड्री बन जाती है। मानी बात है कि जैसे ये हवा आ रही है, मान ली इतनी हवा है, और एक ये हवा आकर के मिली, तो बाउंड्री ही तो होगी, ये यहीं तो फ्रंट बनेगा, तो बाउंड्री तो है, ये तो सीमा रेखा पे ही बनेगी। व्हेन कोल्ड एंड हैवी एयर पुशेस अप द वार्म एयर मासेस ए वार्म फ्रंट इज फॉर्म इन द कॉन्टेक्ट रीजन, तो ये भी गलत है, वार्म नहीं बनेगा बल्कि कोल्ड वाला बनेगा। व्हेन वार्म एयर मासेस राइज एग्रेसिवली ओवर द कोल्ड एयर मासेस ए कोल्ड फ्रंट, बल्कि कोल्ड नहीं बल्कि हॉट वाला बनेगा, गर्म वाला बनेगा, तो ऐसे में ये भी गलत है। तो इसमें तीनों ही क्या हो जाएंगे, ऑल आर फॉल्स हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं, मिड जो लैटिट्यूड है वहीं बनते हैं, तो ये एकदम सही है। हरिकेन चक्रवात का जन्म प्रशांत महासागर में होता है, तो ये अटलांटिक महासागर में होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये हरिकेन जो है ये, तो ऐसे में प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में इसका जन्म होता है, तो इसलिए ये वाला गलत है, तो सिर्फ ए वाला सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रंट्स आर फॉर्म्ड ओनली इन द मिडिल लैटिट्यूड्स, तो ये सही है। हरिकेन्स आर बोर्न इन द पैसिफिक ओशन, वे अटलांटिक में है, तो गलत है ये, तो इसमें से पहला वाला सही है। तो ये मैंने कोशिश की आपके सामने इस तरह से, अभी और डीप में जाकर के सवाल बनाए जाएंगे, अभी तो जो फंडामेंटल जानकारी है उसको मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में रखा है। तो इस तरह से मेरी कोशिश रहेगी ये कि
एक नए अंदाज में नए तरीके से आपके सामने बता करके उसे पेश किया जाएगा। कहीं कॉन्सेप्ट होगा तो उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम पेपर दें, जो कि अभी आईएएस का पेपर होगा 16 तारीख को, तो क्योंकि 100 सवाल उसमें रहेंगे, मानी सी बात है, तो डिफ़िकल्ट सवाल भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पूरे बुकलेट में, अलग अलग पोर्शन में रखे जाते हैं प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो हमें अपने को इन्वॉल्व नहीं करना है उन सवालों में जो टफ़ हों, कठिन हमें लगे, उसको उसी वक्त देख करके छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो सवाल हमको लगे कि हाँ ये तो बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, तो उसी में ज़्यादा समय लगाया जाए, इससे हमारा समय बचेगा। कठिन में अगर समय लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ तक अगर वीडियो पहुँच जाती है तो बहुत अच्छी बात है, एक छोटी सी मेरी कोशिश है। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।